एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टीथ एंड इट्स केयर। ये क्लास चैप्टर टू है क्लास फोर का साइंस, न्यू ट्रेंड्स इन साइंस कैंडिडेट का। तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर भी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा भी आपको। अपने दांतों के बारे में पढ़ने वाले, अपने टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसको केयर कैसे करना उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियोस अपलोड किया जाए तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। हमको तो ये पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें जान होता है, ठीक है, जो ग्रो करते हैं, तो उनको फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हम लोग को भी खाना चाहिए। हम लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दिस फूड इज़ कंज्यूम्ड एंड डाइजेस्टेड बाई ऑल लिविंग बींग्स। ये जो फूड हम लोग जो खाते हैं ना, वो कंज्यूम किया जाता है हमारे द्वारा, डाइजेस्ट किया जाता है, उसको पचाया जाता है लिविंग बींग्स के द्वारा, ठीक। जो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान हम लोग, ठीक है, हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू डाइजेस्ट इट। मतलब कि हमारे में अंदर कुछ बड़ा सा सिस्टम होता है डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, पचाने के लिए फूड को, जो हम लोग खाना खाते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड्स स्टार्ट्स इन द माउथ वेयर टीथ च्यू एंड ग्राइंड इट एंड देन पास इन टू द फूड पाइप फॉर द फर्दर डाइजेशन। अब यहाँ पे कौन क्या बोल रहा जा रहा है कि हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को पचाने का काम करता है हमारा बॉडी के अंदर, लेकिन जो डाइजेशन होता है ना, जो फूड का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब माउथ से कैसे, जो हमारा टीथ है ना, दांत है, हम लोग जैसे कि कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप स्टार्ट करते हो, लेते हो, पहले उसको मुंह में लेते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो, उसको चबाना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये जो चबाने वाला प्रोसेस है ना, और उसको हम लोग मिक्स करते हैं, चबा कर खाना खाते हैं, तब जाकर उसको हम लोग फूड पाइप से अंदर भेज देते हैं उसको अपने पेटों के पेट के अंदर, और वहाँ पे फिर अगला डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो है माउथ से ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि आप खाना खाओ तो चबा चबा कर खाओ। चबा कर खाने से क्या होता है कि डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा कम समय लगता है। अब जैसे कि फूड को आप डायरेक्टली निगल गए तो जल्दी तो ये गलेगा नहीं, जल्दी वो मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और वही चबा कर खाओगे तो छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ दोगे तो अंदर जाने के बाद उसको कम समय लगेगा पचने के लिए, ठीक है। हम देखो लैंग्वेज आपका आप ही के लैंग्वेज में समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो हम लोग बेसिकली टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टीथ होता क्या है, तो टीथ को आपको पता है कि टीथ हमारा वाइट कलर का होता है, ठीक है, हार्ड होता है और बोनी स्ट्रक्चर होते हैं। बोनी मतलब कि हड्डी जैसा होता है, ओके। दे आर फिक्स्ड जॉस एंड हेल्प्स अस ब्रेकिंग डाउन द फूड इन टू स्मॉलर पीसेस। ये क्या रहता है कि जैसे कि हमारा टीथ जो होते हैं वो जॉ में, ये जो हमारे नीचे वाला मसूड़ा होता है, इसमें क्या होता है कि फिक्स रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है। और ये इसका काम क्या है कि हमारा जो फूड होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। कोई भी फूड आप खाओगे तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो टीथ से, ठीक है। ये देखो एक यहाँ पे टीथ से क्या है, फंक्शन ऑफ ही टीथ का फंक्शन को देखने वाले कि टीथ से क्या क्या होता है, आखिर इसका फंक्शन क्या क्या है। तो टीथ हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देता है। अगर आपके पास टीथ नहीं होंगे तो आपके कुछ फेस का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा। आप देखते हो ना ओल्ड लेडी लोग को, बूढ़ी लोग को, उनका जो गाल वगैरह पूरा चपक जाता है, थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम होता है, नहीं अच्छे से बोल पाते, लेकिन आपका टीथ है तो कितना अच्छा दिखाई देता है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है कि ये हमारे फेस को एक अच्छा सा शेप देता है। टीथ से हम क्लियरली बोल पाते हैं। अभी हम बोल रहे हैं, अच्छे से आपको सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स कि मेरे पास टीथ है। अगर मेरे पास टीथ नहीं रहेगा तो हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा क्या हम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये हुआ। थर्ड देखिए, टीथ हेल्प इन बाइटिंग। टीथ से हम लोग किसी भी चीज़ को कट करते हैं। जैसे आप एप्पल खाते हो तो एप्पल खाने के लिए आपको क्या करते हो, टीथ से कट करते हो। अगर आपके पास टीथ नहीं होगा तो कैसे कट करोगे, नहीं कट कर पाओगे। ये टीथ हेल्प टू च्यू द फूड सो दैट इट गेट्स इजिली डाइजेस्टेड। टीथ से हम लोग क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं, च्यू मतलब चबाना, और उसके बाद ये आराम से डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से चबा कर। इसीलिए हमेशा आपको पढ़ाया भी जाता होगा कि आप जब भी खाना खाओ तो उसको चबा चबा कर खाओ, इसलिए क्योंकि डाइजेस्ट होने में कम समय लेगा अंदर जाने के बाद। क्योंकि आप यहीं से चबा कर अंदर भेजोगे तो ज़्यादा टुकड़ों में बटा रहेगा तो अंदर जाने के बाद वो जल्दी सा बच जाएगा। नेक्स्ट है सेट्स ऑफ टीथ।
जो हमारा दांत होता है, जो हमारा टीथ है, उसका सेट्स कैसे किया गया है, मतलब कि अलग अलग ढंग का है, तो इसको देख लेते हैं कि किस तरीका से हमारे दांतों को सेट किया गया है हमारे माउथ में। वी ऑल आर बोर्न विदाउट टीथ। हम लोग जब भी जन्म लेते हैं, आप एक छोटा सा बच्चा को देखोगे तो उनके पास टीथ नहीं होता, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। द फर्स्ट टूथ अपीयर्स व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 month ओल्ड। देखो, जब बच्चा का, जो छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, उसके पास दांत कब आता है? 6 month के अराउंड में होते हैं ना वो, मतलब कि 6 months उनका होता है तो पहला दांत उनका, पहला टूथ, एक दांत आता है। ठीक है, देखो टूथ यहाँ लिखा हुआ है और एक हमारा टीथ होता है, इसके बारे में हम बता देते हैं। टीथ हमारा क्या है? प्लूरल है, ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर है। टूथ मतलब कि एक, टीथ मतलब कि दो या दो से अधिक। ओके, इसलिए यहाँ पे टूथ बोला गया है ताकि ये बेबी का एक दांत निकलता है 6 month के लगभग में। द सेट इज़ कम्प्लीटली बाई द एज ऑफ 2 years। और उनका जो सेट होता है दांतों का, पूरी तरह से दांत आ जाना एक बच्चा का, 2 साल के लगभग में उनके पास पूरा दांत आ जाता है, तो आराम से बोल लेते हैं। अब देखो, सेट्स ऑफ टीथ, 2 तरह का टीथ होते हैं हमारे, एक टेम्प्ररी टीथ होता है, एक हमारा परमानेंट टीथ होता है। टेम्प्ररी किसको बोलेंगे, परमानेंट किसको बोलेंगे, अभी समझेंगे हम। अब बोला जाता है ना कि दूध का दांत, ऐसे बोला जाता है बाबू, आप लोग सुने होंगे, तो वही चीज़ को हम लोग टेम्प्ररी टीथ बोलते हैं। द फर्स्ट सेट्स ऑफ 20 टीथ इज अ चाइल्ड कॉल्ड। जो पहला टीथ होता है ना, सेट हमारा जो पहला बच्चा का एक सेट आता है 2 साल के लगभग में, उसमें लगभग कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। ठीक है, 20 टीथ, उसको हम लोग टेम्प्ररी टीथ बोलते हैं और मिल्क टीथ बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है, टेम्प्ररी मतलब कि वो दूध का दांत होता है, वो आगे जाकर टूट जाता है और फिर उसके जगह पे नया दांत निकलता है। जैसे कि अभी भी आप लोग का दांत टूटता होगा और फिर उसके जगह पे नया निकलता है, लेकिन परमानेंट टीथ आने के बाद फिर टूटा तो आपका नहीं निकलेगा वो दांत। ठीक है, अब यहाँ देखो, परमानेंट टीथ है, परमानेंट टीथ जस्ट टेम्प्ररी का अपोजिट वर्ड है। सेकेंड सेट ऑफ टीथ हमारा कितना होता है, 30 टीथ का होता है, 30 दांत का होता है 30 टीथ, एक एडल्ट में देखा जाता है, जिसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। ये हमारा टोटल टीथ होता है और इस तरीका से देखना, ये अगर ये आपका टूट जाएगा तो फिर दोबारा आपका नहीं पड़ता। तो टेम्प्ररी और परमानेंट के बारे में आप समझ, टेम्प्ररी मतलब कि कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए रहता है, उसके बाद आपका ये टूटते जाता है, टूटकर फिर उसके जगह पे नया निकलता है। लेकिन जब भी नया निकलता है, मतलब कि एक बार दूध का दांत टूटा फिर दोबारा निकला, तो आपका परमानेंट टीथ होगा। ठीक, उसके बाद टूटेगा तो फिर दोबारा नहीं निकलेगा। देखो, यहाँ पे टेम्प्ररी और परमानेंट के बारे में डिफ्रेंशिएट किया गया है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं, इसको हम लोग एडल्ट टीथ बोलते हैं। एडल्ट मतलब कि जो बड़े लोग हो जाते हैं, जिनका मतलब 15 साल 10 साल से ऊपर हो जाता है, 15 साल से उसको 20 के लगभग में, तो वो हमारा एडल्ट टीथ हो जाता है उस टाइम। ठीक है, अब ये जो टेम्प्ररी टीथ है, कब से आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा, 6 months के लगभग में, 6 month के लगभग में एक टीथ होता है, उसके बाद धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हो जाता है, 2 साल के लगभग में सारा टीथ आ जाता है जितना होना चाहिए, 2 से 3 साल के लगभग में। और उसके बाद ये आपको परमानेंट टीथ कब से देखने को मिलेगा, 6 साल के बाद आपको परमानेंट टीथ देखने को मिलेगा। धीरे धीरे टूटता है, टूटना स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे आने लगता है। दिस इज द सेट ऑफ नियरली 20 टीथ। इसका लगभग 20 टीथ होते हैं दूध का दांत में, ठीक, और परमानेंट में टोटल 32 टीथ होते हैं, 22 टीथ होते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना हमारे अंदर 32 टीथ है, मेरे में 32 है, लेकिन आप में 32 नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि अभी आपका एज कम हो रहा होगा, तो मे बी कम 20 के लगभग में होगा। धीरे धीरे टूट कर नया आएगा, फिर आप जब एडल्ट हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो आपका 32 टीथ हो जाएगा। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, एक दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप देख रहे हो ये हमारे अंदर इतना से हमारा अपीयर होता है टीथ, ठीक है, यहाँ से अपीयर होता है, जो बाहर दिखाई देता है ये वाला पार्ट है, ठीक है। उसके नीचे जो हमारा जो लगा हुआ रहता है हमारे जॉ में, ठीक है, उसके अंदर का दिखाया गया, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे टूथ के बारे में। देखो, टूथ जो होता है, टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन सा, देखो, ऊपर वाला पार्ट्स को यहाँ पे क्राउन बोलते हैं, फिर यहाँ वाला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे, एक तरह से गर्दन मान लो, फिर यहाँ वाला सबसे नीचे वाला पार्ट्स, एक तरह रूट्स, जो जड़ होता है, कैसे हमारा ट्री वगैरह का भी जड़ होता है, एज इट इज़ इसमें भी होता है। क्राउन क्या है, द पार्ट ऑफ द टूथ व्हाइट इज विजिबल। क्राउन उसको बोलेंगे जो आपका पूरा व्हाइट जो दिखाई देता है ना, पूरा ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का, वो हमारा क्राउन हो गया।
नेक किसको बोलेंगे? द पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन रूट एंड क्राउन, वो टूथ का पार्ट जो आपका ये क्राउन और रूट के बीच का पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेक बोलेंगे, ठीक है। और ये गम के इनसाइड होता है, जम के इनसाइड होता है हमारा रूट, ठीक है। जो अंदर होता है हम देख नहीं सकते इसको, जब डॉक्टर इसको बाहर निकाले जब टूट जाता है तब आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। अगर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ वी कट अ टूथ इंटू टू हाफ्स, अगर आप दांत को एक जैसे एप्पल कैसे कट करते हो, दांत को बाहर निकाल कर, ये आपका टीथ है, अब इसको दो पार्ट्स में कट कर दिए यहाँ से, ठीक है। तो आप वहाँ पे अलग अलग पार्ट्स देख पाओगे, वेरियस अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा अंदर में, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट्स होगा उसको तो हम लोग क्राउन बोलते हैं, जिसको हम लोग एनेमल भी बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट, जो वाइट वाला विजिबल पार्ट्स हैं, जो दिखने योग्य पार्ट है, उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं, जिसको एनेमल भी बोला जाता है। सेकेंड है द हार्ड लेयर बिलो द एनेमल, एनेमल के हार्ड लेयर जो होता है ना, एनेमल जैसे कि जो हार्ड लेयर होता है एनेमल के अंदर, क्राउन के अंदर, जस्ट उसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ इज पल्प, अब टूथ का जो सबसे मिडिल पार्ट होगा उसको हम लोग पल्प बोलेंगे। जो पल्प होता है ना एकदम सॉफ्ट होता है, और वहाँ पे बिल्कुल नर्व्स होते हैं, ठीक है। नर्व्स नर्व्स और ब्लड वेसल्स, खून वगैरह लगभग वहीं से आता है, ठीक है। जैसे कि हम ये हमारा टीथ है, आगे देखने को आपको मिलेगा इसके बारे में, अंदर वाला जो पार्ट्स होता है इस तरीका से कट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनामल बोलते हैं, जो हमारा क्या क्राउन बोला जाता है। उसके बाद अंदर वाला पार्ट्स जो देखोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ वाला पार्ट्स को हम लोग पल्प बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया, ये वाइट वाला पार्ट से हमारा क्या है? एनेमल है। उसके बाद अंदर वाला पार्ट्स है, इसको कट करोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे जिसको डेंटाइन बोलते हैं, सबसे अंदर वाला पार्ट्स को, जहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू हमारा ब्लड्स वगैरह और नर्व्स वगैरह चलता है दांत में, मतलब जान है, तो वो पल्प के अंदर रहता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है बिल्कुल। अब देखो टीथ के काइंड्स भी होते हैं, अलग अलग तरह का टीथ होते हैं। हमारा जो टीथ है ना, जो दांत है हमारे माउथ में, वो एक जैसा आपको क्या देखने को मिलेगा? सब एक जैसा दिखता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नुकीला है, कोई चौड़ा है, कोई ब्रॉड है, इस तरीका से है ना, तो सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा उसी चीज़ के बारे में। देर आर फोर काइंड्स ऑफ टीथ इन परमानेंट सेट, जो परमानेंट टीथ होता है ना आपका, परमानेंट सेट हो जाता है जब 32 दांत हो जाते हैं आपके में, एडल्ट हो जाते हो तब का यहाँ पे बताया गया है। तो टोटल कितने तरह का बताया जा रहा है? फोर टाइप्स के, फोर तरह का यहाँ पे आपको टीथ बताया जाता है। जितने भी टीथ होते हैं सबका शेप और साइज अलग होता है, उसका देखें शेप जो बनाया हुआ है वो अलग है, साइज मतलब कि उसका छोटा है या बड़ा, वो अलग अलग होता है सबका। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, सबका अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए उसका शेप और साइज अलग दिया गया है, ठीक है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नुकीला है, ठीक है। तो इस तरीका से उसका दिया गया है ताकि उसका फंक्शन जो है सबका अलग अलग है। उसके फंक्शन के अनुसार दे आर डिवाइडेड इंटू फोर ग्रुप, और उन्हीं के फंक्शन के चलते उसको चार ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब देखो यहाँ पे इंसीजर एक है, दूसरा आपका प्री मोलर्स है, एक कैनिनीज होता है, एक मोलर्स होते हैं, ओके। अब इंसीजर का काम क्या रहता है? कैची कैसे आपको उससे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, कटिंग करने के लिए इंसीजर हम लोग क्या करते हैं? कटिंग करें, किसी भी चीज़ को कट करना है तो आपको इंसीजर दांत से कट करते हो, जैसे कि एप्पल बाइट करते हो तो इंसीजर से। प्री मोलर्स का काम क्या रहता है? यहाँ पे देखो ये कुछ नट क्रैकर टाइप दिया गया है, ठीक है। तो क्रैक, कोई भी चीज़ को आपको क्रैक वगैरह करना है, ठीक है, तो वो आपको प्री मोलर का काम होता है। कैनिनीज है, एक नुकीला टाइप होता है, ठीक है। जिस कैनिनीज आपको ज़्यादातर जैसे कि आप अगर नॉन वेज खाते हो तो उस टाइम कैनिनीज का यूज़ होता है। मोलर्स क्या करता है? ये ग्राइंड करने का काम करता है। चबाते हो ना तो आप साइड में ले जाते हो ना, कि आप देखते हो चावल वगैरह खाते हो तो चबाने के लिए आपको क्या करते हो? साइड में ले जाते हो, अपना यहाँ पे ले आते हो फूड को, ताकि यहाँ से चबा सके, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, इसका पढ़ेंगे अच्छे से। कटिंग टीथ इसको बोला जाता है, इंसीजर को। अब देखो ये जो हमारा इंसीजर है ना, हमारे फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा कटिंग टीथ होता है। चार टीथ होते हैं आपके फ्रंट में कटिंग टीथ, जिसको हम लोग कटिंग और बाइटिंग टीथ बोलते हैं, फूड डेयर कॉल्ड इंसीजर, ठीक है।
दे आर सेप लाइक चीजल, ये चीजल टाइप का सेप रहता है, कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिलेगा, इसको चीजल टाइप सेप बोला जाता है, ठीक है ना। जो आपके सामने का चार दांत जो होता है ना, सामने वाले जो चार दांत फ्रंट में, उसी को हम लोग बोलते हैं। और ये कहाँ रहता है, फोर इंसीजर होते हैं हर एक जॉ में, देर आर फोर इंसीजर इन ईच जॉ, हर एक जॉ में कितने इंसीजर होते हैं, फोर इंसीजर होते हैं। ये शार्प होता है, नुकीला होता है, फ्लैटेंड एज होता है, इसका जो एज होगा किनारा जो होगा थोड़ा सा मतलब कि इस तरीका से होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे इस तरीका से फ्लैटेंड टाइप रहता है आपका, ये आपका इंसीजर है। टोटल फोर इंसीजर होते हैं, दो नीचे हो गया और दो ऊपर हो गया, ठीक है, टोटल फोर हो गया। अब हम लोग कैनिनीज की बात करते हैं, कैनिनीज क्या होता है, ये कोन सेप टाइप होगा आपको, कोन सेप टाइप होता है, इससे जैसे कि फूड वगैरह को फाड़ने उड़ने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ये ज़्यादातर हम लोग इसी कैनिनीज को यूज़ करते हैं, तो इस तरीका से आपको सेप में देखने को मिलेगा, ये आपका कैनिनीज हो गया, ठीक है। ये शार्प होता है, ठीक है, पिक एजेस टाइप, कैसे आपको एक्सेस टाइप होता है, कुल्हाड़ी वगैरह कैसे होता है उस तरीका से, कुछ कटिंग वुटिंग करने के लिए, फाड़ने चिड़ने के लिए, तो उस तरीका से आपको ये दांत देखने को मिलेगा, ओके। कोन टाइप होता है, देखो टू कैनिनीज होते हैं हर एक जॉ में, मतलब कि दो कैनिनीज ऊपर होते हैं और दो कैनिनीज नीचे होते हैं। दो हम लोग यहाँ पे देखे थे, सामने वाला दो क्या था आपका इंसीजर था, दो नीचे था, उसके बाद वाला जो है ना वो आपका कैनिनीज हो गया, ठीक है, दो ऊपर और दो नीचे हो गया। इससे क्या होता है, कैनिनीज आपको पाया जाता है हर एक साइड इंसीजर के, मतलब कि इंसीजर जो दो ऊपर है इसके साइड में, वो दो यहाँ है उसके साइड में, दो नीचे है। इससे हम लोग फूड को फाड़ने उड़ने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को। प्लस में कैनिनीज जो होते हैं कॉन्सेप्ट का होता है, शार्प होता है, कॉन्सेप्ट का होता है, ठीक। अब देखो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे शेर बाघ वगैरह, जो मतलब कि एनिमल्स को मार कर खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनका जो वो ज़्यादातर फ्लैश को, मांस को क्या करते हैं, चीरते फाड़ते हैं, तो उनका जो होता है ना आगे वाला तीर जो नुकीला आपको दिखाई देता है, वो कैनिनीज होते हैं, क्योंकि कैनिनीज से चीर फाड़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग में भी वो दिया रहता है, क्योंकि हम लोग भी तो नॉन वेज खाते हैं, इसीलिए ऐसा दिया हुआ रहता है। हम लोग प्रीमोलर के बारे में, ये क्रैकिंग टीथ है, किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए हम लोग, कोई हार्ड चीज़ है, नट्स वगैरह है, जैसे आप चना वगैरह चबा रहे हो तो आपको क्रैक करना है, उसको क्रैक करने के लिए आपको इसके पास ले जाना होता है, इससे क्या होगा कि आप उसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है, फूड क्रैकिंग के लिए। ये एक्ट नट क्रैकर जैसा काम करता है, जैसे कि नट वगैरह तोड़ने वाला जो आता है ना क्रैकर, उसके जैसे। ये भी चार होते हैं हर एक जॉ में, हर एक जॉ में ये चार पाए जाए, तो ऊपर दो नीचे दो, ठीक है। टू प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक साइड में, कैनिनीज के साइड्स में, ठीक है। प्रीमोलर टीथ होते हैं आपको ब्रॉड चौड़ा देखने को मिलता है, इससे कोई हार्ड फूड्स वगैरह नट्स वगैरह क्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो इसका इस तरीका से शेप होता है हमारा, ठीक है। अब देखो मोलर क्या है, ये ग्राइंडिंग टीथ है, मतलब किसी भी चीज़ को आपको मिक्स करना है तो ग्राइंड करने के लिए इसको हम लोग मोलर, प्रीम मोलर का यूज़ करते हैं। ब्रॉड होता है ये, फ्लैट होता है, बिल्कुल चौड़ा टाइप टीथ होता है, इसको हम लोग फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज़, एक तरह से मिक्सर के जैसा ये काम करता है। ये हमारे सिक्स होते हैं हर एक जॉ में, मतलब कि तीन ऊपर होगा और तीन नीचे होगा, ठीक है, ऐसे समझ में आया, तीन ऊपर होगा और तीन नीचे, एक साइड में तीन, फिर दूसरे साइड में तीन, फिर एक साइड में तीन, फिर दूसरे, मतलब ऐसे इसको देखा जा रहा है, तो छः ऊपर हो गया और छः नीचे हो गया, तो टोटल 12 मोलर्स हो गए, ठीक है। ये क्या होता है कि ये बड़ा होता है, फ्लैटर होता है, और बॉर्डर टीथ होता है, चौड़ा भी होता है, ठीक है। और इससे हम लोग को बता दिया आपको, क्रशिंग के लिए और फूड को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो देखो इसका शेप कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिलेगा, चाहो तो आप सभी का पिक्चर्स भी बना लेते हो। अब यहाँ पे देखो टोटल 32 टीथ का आपको यहाँ पे बता दिया गया। देखो इंसीजर के बारे में बताया, टोटल फोर जो होते हैं हर एक जॉ में, ऊपर वाला जॉ में चार होता है, नीचे वाला जॉ में चार होता है, टोटल कितने हो गए इंसीजर, एट हो गया। फिर कैनिनीज ऊपर दो, कैनिनीज नीचे दो, तो जिसमें चार हो गया। उसी तरह से प्रीमोलर का भी आप देख रहे हो और मोलर्स का भी आप देख रहे हो, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 32 टीथ हो गए, ठीक है। अब देखो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है टीथ के बारे में, तो हम लोग जान गए सेट्स के बारे में क्या कैसे हैं। अब हम लोग टीथ हाउस का केयर कैसे करेंगे, हमारे दांत है तो उसको केयर करना होगा ना, टूट जाएगा तो समझ लो फिर नहीं निकलेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, कैसे खाना खाएंगे हम लोग, बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा जो अदर बॉडी पार्ट्स होता है, टीथ भी हमारा एक, हम लोग को ज़रूरत है टीथ को, हमारे दांतों को अच्छे से ध्यान रखने के लिए। अगर हम इसको अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से सफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या हो जाएगा, दांत दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा, टूथ आपका यदि इस तरीका से गड्ढा हो जाएगा, या फिर उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे,
कैविटीज़ हो गए, यहाँ देखो पूरी तरह से इस तरीक़े से कैविटीज़ हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, फिर आप कुछ भी चीज़ खाओगे तो आपका यहाँ पे चला जाएगा, बहुत दिक्कत होगा, सेंस आपको झंझनाहट स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो गम हो जाएगा पूरी तरह से फूल जाता है, किसी किसी का इस तरीक़े से आपका देखने को ब्लॉक हो जाएगा, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। तो हु डू टूथ डिके, देखो यहाँ बोल रहे कि टूथ डिके क्यों होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हेन वी ईट स्मॉल पार्टिकल्स गेट फूड स्टक बिटवीन द टीथ, इफ यू डोंट ब्रश टीथ जम्स ग्रो एंड दिस पार्टिकल्स दिस जम्स सीक्रेट एंड एसिड दिस एसिड डिजोल्व द एनिमल्स एंड कॉजेज टूथ टू डिके। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम लोग कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स वगैरह खाना वगैरह खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है हमारे दांतों में फंस जाता है, और फिर फंसने के बाद अगर आप उसको ब्रश नहीं करते हो, निकालते नहीं हो, तो उसमें क्या हो जाएगा जम्स वगैरह ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े स्टार्ट हो, वही कीड़े मकोड़े क्या होता है धीरे 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 एक एसिड के रूप में वहाँ पर फैला देता है। आप वहाँ पर टच भी करोगे तो आपको खट्टा टाइप लगेगा, आप टेस्ट भी करके देखना, तो वही एसिड के कारण ऐसा होता है, ठीक है सेक्रेट। अब यही जो एसिड होता है ना वो डिजोल्व हो जाता है एनेमल में, और उसके कारण टूथ डीके हो जाता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपका दांत खराब कर देगा वो बिल्कुल। अब प्लग क्या है, देखो द स्टिकी येलो लेयर फॉर्म्ड ऑन द टीथ ड्यू टू द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स इज नोन एज प्लग। देखो प्लग प्लग क्या होता है कि अभी वहाँ दिया हुआ था कि कभी कभी क्या होता है कि आप अच्छे से ब्रश वगैरह नहीं करते हो तो आपके दांत में जो होता है ना कि येलो लेयर हो जाता है, देखते हो ना किसी किसी का दांत येलो टाइप होता है, तो उसका प्लग हो गया, और इसके कारण क्या होता है कि आपका उसमें जम्स वगैरह जमना स्टार्ट हो जाता है, जम्स जमेगा तो फिर उससे एक लेयर बना देता है और उससे बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है आपका, धीरे धीरे दांत भी आपका ख़राब कर दे। तो वही बोल रहा है कि दोनों जो हमारा टूथ डीके हो गया या प्लाक हो गया, इससे हमारा मतलब कि बहुत बुरा हो जाता है, हम सांस वगैरह भी लेते हैं तो अलग ढंग का अंदर जाता है, ठीक है, और उससे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक हमको अगर आपको ये सब से हटाना है, टूथ डीके और प्लाक नहीं आप चाहते हो कि हमारा नहीं ऐसा हो, तो आप अच्छे से प्रॉपर ब्रश करो ताकि आप एक रिफ्रेशिंग ब्रेथ ले सको, सांस वगैरह जब आप एयर ब्रेथ करते हो तो अच्छे से प्रॉपरली आप उसको लो। अब यहाँ बोल रहा है कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर टीथ, अपना टीथ को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तो आप एक दिन में दो बार ब्रश करो, ठीक है, एक सुबह में और एक बार बेड में जाने से पहले, रात में सोने से पहले, ठीक है, एक बार उठने के बाद और एक बार सोने से पहले, और ब्रश योर टीथ। कैसे आपको ब्रश करना है टीथ को, ब्रश योर टीथ अप एंड डाउन, आपको टीथ को ऐसे इस तरीक़े से ब्रश मतलब कि इधर उधर इस टाइप से नहीं करना है, आपको क्या करना ऊपर नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन करके करना, इस तरीक़ा से आपको ब्रश करना है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इस तरीक़ा से, ताकि आपका जो भी इधर उधर जम्स वगैरह भी होंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और क्लीन योर टंग यूजिंग अ टंग क्लीनर, आप अपना टंग को भी जीभ को भी टंग क्लीनर से क्लीन करना है, ताकि आपका उससे भी कभी कभी आपको स्मेल आता है, और जब भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने के समय आप अपना खाना खाने के बाद मुंह अच्छे से धो लो, ताकि उसमें किसी तरह का फूड पार्टिकल्स नहीं रहे, नहीं तो फूड पार्टिकल्स के कारण क्या होता है कि जम्स ग्रो स्टार्ट हो जाए। और ज़्यादातर आपको चॉकलेट्स या मिठाई वगैरह नहीं खाना चाहिए, उससे भी जम्स ग्रो करते हैं जल्दी, और हमेशा आपको चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास विजिट करते रहना, ताकि वो डेंटिस्ट आपका दांत को देखकर बता सके कि आपका दांत का कंडीशन कैसा। और जैसे कि आपको फ्रूट्स खाना है, हार्ड फ्रूट्स आप खाइए एप्पल के जैसा, जंक फूड नहीं खाना है, जंक फूड में आपका पिज्ज़ा पास्ता कोल्ड ड्रिंक चाउमीन ये सब चिप्स वगैरह ये सब आपको नहीं खाना है, इससे आपको दांत में नुकसान हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। बाय, टेक केयर।